आजमगढ़ दीपू चौधरी हत्याकांड के बाद सिधारी में चक्का जाम, बुलडोजर की मांग। आजमगढ़ जिले के सिधारी थाना क्षेत्र के चौबाना बस्ती में शनिवार को दीपू चौधरी नामक युवक की हत्या के बाद रविवार को आक्रोशित परिजनों और स्थानीय लोगों ने सड़क जाम कर प्रदर्शन किया। सड़क जाम कर प्रदर्शन कर रहे सैकड़ों लोगों ने आरोपियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई के साथ आरोपी के घर बुलडोजर चलाने की मांग की। आपको बता चले कि विवादित भूमि की सफाई कर रहे दीपू चौधरी की कैंची से गोद कर शनिवार को हत्या कर दी गई थी। मामले में दीपू की बहन समेत परिवार के चार अन्य सदस्य घायल हो गए थे। दीपू को गंभीर स्थिति में मड़ा एक निजी अस्पताल में ले जाया गया, जहां पहुंचते ही उसकी मौत हो गई। इस घटना के बाद रविवार को आक्रोशित परिजनों और स्थानीय लोगों ने मांग किया कि आरोपी के घर पर बुलडोजर चलाया जाए और उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। संवाददाता दीपक भारती की रिपोर्ट। उनकी पत्नी है दीपू चौधरी के, दो बच्चे हैं, एक पत्नी विधवा और छोटे एक 4 साल का बच्चा है, 2 साल की बच्ची है और उनके जो बड़े भाई ललन वो भी मर गया। उसके एक बड़ा लड़का है, एक बड़ी लड़की है और जो है उनको बाप माँ जो है विकलांग है। आप लोग जाम किए थे, जाम किस बेस पे हटवाए, क्या कहे साहब? वहाँ साहब गए थे, हम गए थे नहीं के साथ, हम लोग वही आए इधर जाम है उधर। हम लोग साहब आपको 50 लाख रुपया देना और हम लोग उसी अपना जो है बाल बच्चों का उनका पाल पोषण कर दिया। बहन है उनकी, उनके साथ मारते हैं, उनकी शादी ब्याह कहाँ से होगा साहब? आखिर हम लोग के साथ एकदम नहीं है पैसा। जमीन के मैटर में मेरे भाई को सब मार दिए चाकू से। ये सिंकू प्रमोद चतुर्वेदी, छोटू चतुर्वेदी, पूरी परिवार थी, पूरा लेडीज जितनी थी सारी सब मिल के मरवाई है सब। इन सबों का प्लान था, मेरे भाई को मार दिए सब, मेरे द्वार पे आके मारे हैं सब। उसके बाद आप लोगों ने चक्का जाम किया है? चक्का हम लोगों ने इसलिए जाम किया है कि हम लोग को चाहिए सुविधा कुछ, हमारा भाई लास्ट था। अब मेरे घर शादी कर दी आरोपी का? नहीं, अभी आरोपी गिरफ्तार नहीं हुआ है, अभी आरोपी घूम रहा है। चार आदमी बंद है, दो अभी घूम रहे हैं सब। छोटे छोटे बच्चे, 1 साल की बच्ची है, 4 साल का बच्चा है, उसको कौन खिलाएगा पिलाएगा? वही घर जिम्मेदार नागरिक था, उसको पूरा फॉलो करेगा।